अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईद की जो है वो भरपूर तैयारियां कर रहे होंगे। इस स्पेशल एपिसोड में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दूध का हलवा, ठीक है, जिसे आप मखड्डी हलवा भी बोल सकते हैं, लेकिन मखड्डी हलवा थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। बहरहाल बहुत से लोग इसको मखड्डी हलवा भी बोलते हैं, टेस्ट में बहुत मज़ेदार होता है, बहुत यम्मी होता है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप बार बार बनाएंगे। और रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। दूध का हलवा बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें एक सूजी, और सूजी आप जितनी ले रहे हैं इतना ही आपने घी या ऑयल लेना होगा, ठीक है, मेल्टेड घी या ऑयल भी आप ले सकते हैं, जैसा कि मैं अभी ऑयल ले रही हूँ। तो इसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है कि जितनी सूजी इतना घी, ठीक है जी, जितनी सूजी इतना घी और दुगनी चीनी और चुगना पानी, ठीक है। ये फार्मूला एक जब भी आप हलवा बना रहे हो तो इस फार्मूले को जहन में रखें कि मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ कि जितनी सूजी इतना घी, दुगनी चीनी और चुगना पानी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पानी का भी व्यूअर्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं एक खुले से मुंह का बर्तन लेकर ये एक कप के करीब, मैंने बड़ा वाला कप है मेरा, एक कप के करीब मैंने सूजी ले ली है, ठीक है। इतना ही मैं इसी के बराबर मैं ऑयल ले लूँगी या आप घी ले लें, ठीक है, और इससे डबल यानी कि दो कप के बराबर मैं चीनी ले लूँगी। लेकिन जो लोग मीठे को ज़्यादा पसंद नहीं करते तो वो दो कप से थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं, यानी डबल से थोड़ी कम भी वो चीनी डाल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं व्यूअर्स ऐसा करूँगी कि सूजी को जो है वो दूध में डिप करूँगी, ठीक है, यानी दूध में भगो के रखूँगी, सोख करूँगी, और कितना दूध डालूँगी, इतना डालूँगी कि जिसमें जो है वो सूजी जो है वो मेरी डूब जाए, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ, मैं अभी सूजी को दूध में भगोती हूँ, फिर मिलती हूँ। और ये मैंने सूजी को जो है वो एक बर्तन में डाल दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब दूध है ये मैं डाल दिया। अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ और इसको ये देखें कि ये देखें मेरी सूजी जो है वो इसमें भीग गई है। सूजी को आप एक दफ़ा छान लीजिएगा, ठीक है, सूजी मेरी इसमें भीग गई है। और अब इसमें अब मेरी मर्ज़ी है, चाहे तो मैं इसको अभी बना लूँ, चाहे तो मैं इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँ, यानी आपकी रेसिपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप फ़ौरन से शुरू कर दें या आप थोड़ी देर बाद शुरू करें, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर चंद हरी इलायचियाँ जाएंगी, ठीक है, और आप ड्राई फ्रूट ले लें, ड्राई फ्रूट जो आपको अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा काजू था और थोड़ा सा अखरोट है, ठीक है, और थोड़े से मेरे पास बादाम थे, किशमिश है, नारियल है, तो बादाम को जो है वो मैं बारीक काट दूँगी, ठीक। और इसी तरह आप जो बड़ा फ्रूट है ड्राई फ्रूट उसको बारीक कर लें, ठीक है। और चंद इलायचियाँ मुझे चाहिए होंगी, इलायचियाँ जो है वो मैं घी को या ऑयल को कड़कड़ा कर गर्म करके थोड़ा सा, तो उसमें मैं इलायची सब्ज़ इलायची डालूँगी ताकि उसको इसकी अच्छी सी जो खुशबू आए उसका अच्छा सा अरोमा फैल जाए। और ईद के मौके पर आप व्यूअर्स ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि ईद के दिन जो है वो ईद के दिनों में मीठा तो हर घर में चलता है, हर घर में तकरीबन लोग मुख्तलिफ किस्म की मीठी चीज़ें बना रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी सी रेसिपी है। और चकवाल के साइड के जो लोग हैं वो तो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। और इस हलवे की मैं आपको एक ख़ास बात भी एक बताऊँगी, ये ख़ास वाक्य आपसे शेयर करूँगी, लेकिन कब शेयर करूँगी, थोड़ी देर के बाद शेयर करूँगी, ठीक है। और वो एक मतलब हलवे से हमारे चकवाल शहर में बड़ा मशहूर वाक्य है वो, ठीक है, एक नस्बत मशहूर है एक बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी से, ठीक
ठीक है, हमारी बहुत बड़ी शख्सियत थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके साथ एक बहुत ज़बरदस्त एक वाक़या मंसूब है, ठीक है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इस हलवे के साथ और उनके साथ, तो साथ रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑयल को जो है गर्म किया और उसमें इलायची डाल दी है, इसको अभी मैं गर्म करूँगी, जब अच्छी से खुशबू आएगी तो मैं इसमें दूध में भीगी हुई जो सूजी है वो डाल दूँगी। तो आप साथ रहिएगा, ठीक है, आप साथ साथ देखिएगा, कोई आपने स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़बरदस्ती मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और मुझे कुछ लोगों ने कहा था, कुछ फ्रेंड्स ने, कि आप ये बनाएं, चकवाल के इलाके की मशहूर सौगात है ये, तो आप ये बनाएं, तो उन सब के लिए जो है वो आज दूध का हलवा, जिसको बहुत से लोग मखड्डी हलवा भी कहते हैं, वो हाजिर खिदमत है। और ये मैंने यहाँ पर इसके अंदर सूजी डाल दी है और अब हमने जो है इसको मुसलसल इसको हिलाते रहना है, मुसलसल हिलाना है, ठीक है। हमने अपना जो चम्मच है ना वो रोकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसके लिए आपको लेना पड़ेगा जो ये बारीक वाला, जिसका किनारा आगे से इस तरह का, आपको इस तरह का चमचा लेना पड़ेगा जिससे आप इसको पकाएंगे। तो मैं अब जो है वो मोबाइल एक साइड पे रखती हूँ और मैं दोनों हाथों से इसको एक हाथ से मैं पकड़ूँगी और एक हाथ से इसको मुसलसल जो है वो मैं हिलाती रहूँगी, ठीक है, वरना हमारा हलवा जो है वो कुछ भी बन जाएगा, ठीक है, और ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने इसको कब तक हिलाना है, कम अज़ कम 8 से 10 मिनट तक, ठीक है ना, कम अज़ कम, यानी हमने इसको करना क्या है, हमने इसको चिपकने नहीं देना है साथ में, ठीक है ना। अगर ये चिपक गया, साथ लग गया, तो फिर जल जाता है, स्टार्ट में ही जल जाता है ये, इसलिए हमने इसको जो है वो, ये बड़ा मेहनत तलब हलवा है ये व्यूअर्स, ठीक है, और बड़ा सब्र आजमा हलवा है ये, ठीक है, इसको आप शाही हलवा भी कह सकते हैं, ठीक है। और आपको मैंने कहा था कि मैं आपसे एक वाक्य शेयर करूंगी जो कि इस हलवे से मंसूब है। अच्छा, आपसे मैं कह रही थी कि आपसे मैं एक वाक्य शेयर करूंगी, तो वाक्य ये है कि ये जब बेनज़ीर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बेनज़ीर साहिबा जब आई थी चकवाल, एक दफ़ा इलेक्शन मुहिम के दौरान उन्होंने चकवाल का विज़िट किया था, तो जब उनका इजलास जलसा जो था वो ख़त्म हुआ, तो जलसे के एंड पे उनको इशारा दिया गया या उनको खाना पीना पेश किया गया, जब तो क्या हुआ कि लंच करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मुंतज़िम थे उनसे पूछा, इंतज़ाम करने वाले जो थे उनसे पूछा कि बाकी तो सब ठीक है, बहुत अच्छा था, सब ठीक था, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो हलवा है ना, क्या है और कौन सा हलवा है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे आप पैक करके देंगे कि मैं साथ लेके जाऊंगी, और उनको बहुत पसंद आया था ये, बहुत उन्होंने तारीफ की थी हलवे की। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप इसको शाही हलवा कहेंगे तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने ये करना है कि अगर आपने एक कप सूजी ली है तो आपने दूध इतना लेना है कि इसमें सूजी भीग जाए, लेकिन अगर आप 1 किलो भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना, यानी जितना फालतू दूध लेंगे वो, चूँकि हमने दूध को और सूजी को हमने पकाना होता है और फिर मतलब उसमें खुशक करना होता है, फिर उसको फ्राई करना होता है, तो जितना दूध ज़्यादा होगा इतना अच्छा होगा। और आप इस के दौरान ये जो इसकी भुनाई है ना, इस दौरान आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बंदे का मतलब काम नहीं है, बड़ा मेहनत आजमा और सब्र आजमा, क्योंकि हम आम किस्म का तो हलवा बना नहीं रहे, ये है शाही हलवा। तो शाही हलवा बनाने के लिए और शाही हलवा खाने के लिए बहुत से लवाजमात हैं जो आपने पूरे करने होंगे, तो साथ रहिएगा और कोई आपने स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने ये करना है कि अगर आपने एक कप सूजी ली है तो आपने दूध इतना लेना है कि इसमें सूजी भीग जाए, लेकिन अगर आप 1 किलो भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना, यानी जितना फालतू दूध लेंगे वो, चूँकि हमने दूध को और सूजी को हमने पकाना होता है और फिर मतलब उसमें खुशक करना होता है, फिर उसको फ्राई करना होता है, तो जितना दूध ज़्यादा होगा इतना अच्छा होगा। और आप इस के दौरान ये जो इसकी भुनाई है ना, इस दौरान आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है,
क्योंकि ये एक बंदे का मतलब काम नहीं है, बड़ा मेहनत आजमा और सब्र आजमा, क्योंकि हम आम किस्म का तो हलवा बना नहीं रहे। ये है शाही हलवा, तो शाही हलवा बनाने के लिए और शाही हलवा खाने के लिए बहुत से लवाजमात हैं जो आपने पूरे करने होंगे, तो साथ रहिएगा और कोई आपने स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। स्टार्ट में जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, थोड़ा ये स्टिकी होगा क्योंकि बार बार नीचे ये चिपकेगा, ठीक है ना, स्टिकी होगा थोड़ा। और जो जो इसकी जो स्टिकनेस है जो ख़त्म हो जाएगी, जो जो ये कढ़ाई को छोड़ देगा, जब ये कढ़ाई को छोड़ेगा तो ये इसमें से घी भी निकलना शुरू हो जाएगा, और इसका मतलब ये है कि यह भुनाई की तरफ जा रहा है और इसका इसी तरह कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। और व्यूअर्स ये देखें, स्टार्ट में हिलाना मुश्किल था, ठीक है, और अब जो है वो देखें इतना स्टिकी जो है वो ये नहीं रहा है, ठीक है ना। जो जो ये भुनाई की तरफ जाएगा तो आपका काम आसान होता जाएगा, ठीक है। और लेकिन आपने मुसलसल आपने इसका जो चमचा है ना वो हिलाते रहना है, और जो इसकी आँच है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें इसकी जो आँच है वो आपने इतनी रखनी है, ठीक है, यानी तकरीबन ये दम वाली ही उससे थोड़ी सी ज़्यादा, जितनी आप दम के लिए रखते हैं ना, जितनी ये मेरा बर्नर भी थोड़ा सा बड़ा है तो इससे यानी आपने 8-10% आपने जो बर्नर की आँच रखनी है जब तक इसकी बुनाई हो रही है, ठीक है। जब इसकी बुनाई ख़त्म हो जाएगी उस वक्त मैं आपको साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसकी आँच को तेज़ कब करना होगा, ठीक है। और ये देखें अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया, यानी देखें अब ये स्टिकी नहीं रहा, ठीक है ना। ये देखें अब हिलाना भी आसान हो गया, ठीक है। ये देखें चिपक नहीं रहा है नीचे से, लेकिन हमने अपना हाथ रोकना नहीं है, मुसलसल हमने इसको हिलाते रहना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे और ये हमारा हलवा जो स्मूथ नहीं रहेगा, ठीक है। और ठीक है, और जब ये घी छोड़ना शुरू कर देगा ना तो ये देखें ये कलर भी चेंज करना शुरू कर देगा, ये देखें इसका कलर अब चेंज हो रहा है। तो मैं इसका जब तक ये मुझे जो रिक्वायर्ड कलर इसका जो मैंने ब्राउन जितना करना है वो नहीं हो जाता तब तक मैंने इसको रोकना बिल्कुल भी नहीं है हाथ को, मुसलसल मैंने इसको हिलाते रहना। तकरीबन व्यूअर्स इसको हिलाते हुए 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है ना, और मेरा ख्याल है कि ये 4-5 मिनट का और हमारा काम है बुनाई का, ठीक है। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ इसका जब कलर चेंज होता है, जो रिक्वायर्ड कलर मुझे चाहिए, जब तक कि वो नहीं होता तब तक जो है वो मैं ब्रेक लेती हूँ और मैं आपसे फिर मिलती हूँ ब्राउन करके। और ये तकरीबन यानी 15 मिनट अब इसको गुजर चुके हैं, और 15 मिनट के बाद ये देखें ये लिक्विडी शेप में आ गया है, देखें इसका जो टेक्सचर है फॉर्म है इसकी वो लिक्विडी हो गई है, ठीक है। जब ये लिक्विडी फॉर्म में आ जाए तो उसके बाद इसकी असल जो बुनाई है ना उसके बाद शुरू होगी, ठीक है। इस स्टेज पर ये बुनाई की तरफ जाएगा, ये तकरीबन इसको मेरा ख्याल है 5 मिनट मजीद लगेंगे इसको, ठीक है। लेकिन इस जब ये इस स्टेज पर आ जाए तो इसको ज़्यादा टाइम वैसे लगता नहीं है, ठीक है ना। और आँच आपने अभी भी इसकी फ्लेम इसका इतना की रखना है, थोड़ा आपने फ्लेम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक। तो चलिए मैं इसका जो है वो बाकी तैयार करती हूँ, यानी मैं इसके लिए जो है वो आपको फार्मूला मैंने बताया था याद होगा कि जितनी सूजी इतना घी और दुगनी चीनी चुगना पानी। तो इसमें चुगना पानी यानी अगर 1 कप मेरा ये सूजी थी तो इसमें 4 कप के करीब पानी मैं अभी गर्म करूँगी, गर्म पानी मैं इसमें डालूँगी, ठीक है। तो मैं साथ में पानी की तैयारी करती हूँ और आपसे मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ जब ये थोड़ा डार्क ब्राउन। और पानी जो है वो तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, ठीक है। पानी आपने इतना लेना है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, इतना गर्म हो। और जो हमारा हलवा बन रहा है शाही हलवा चकवाल का हलवा, और ये देखें ये इसका कलर जो है ना वो एक्चुअल जो कलर है वो ये वाला है, ठीक है। इतना आपने उसको गोल्डन ब्राउन करना है, और अगर गोल्डन ब्राउन तो ये नहीं है, ये डार्क ब्राउन है। और अगर आप चाहें चलें अभी और बच, जब इसमें हम पानी डालेंगे ना व्यूअर्स तो ये थोड़ा इसका लाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये जब फाइनल इसकी लुक आएगी और अगर आपको वो डार्क वाला कलर नहीं चाहिए तो इससे थोड़ी सी आप लाइट टोन में जब हो जाए इसका कलर तो आप वहाँ पे इसको स्टॉप कर दें और साथ में आप पानी गर्म करें वो। और साथ में मैंने बादाम, बादाम है मेरे पास थोड़े से थे बादाम, उनको मैंने क्रश कर लिए
और किशमिश कोकोनट वो और काजू, और ये तो चले मेरे पास बहुत ही मतलब वन टेबल स्पून थे मेरे पास ख़त्म हुआ में, और ये मैंने तैयार कर दिए हैं। ठीक है, ये मैं एंड पे डालूंगी। तो चले मैं अब आपको दिखाती हूँ कि आप पानी जो है वो डालेंगे तो क्या किस वक्त वो क्या क्या करना है, अगर वो दिखाती हूँ मरला। और इस स्टेज पर पानी डालना है हमने। ठीक है, मैं आज मैंने चूँकि इसको स्टॉप कर दिया था, मैं आज फिर मैंने जला ली और आँच फिलहाल जो है वो स्लो है, ज़ीरो आँच है इसकी। और अभी जब हम पानी डालेंगे ना व्यूअर्स, तो चमचा इसका रोकना नहीं है। अगर हम रोक देंगे तो क्या होगा कि ये इसके गुठलियाँ बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे। हमने इसका जो चमचा है ना वो मुसलसल चलाते रहना है। ठीक है, इस तरह, और ध्यान से बहुत ही केयरफुल होकर आपने काम करना है, क्योंकि इसके बबल्स उठेंगे, ये ना हो आपके हाथ जला दें, आपके कपड़े जला दें, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और सारा यानी कि ये चुगना पानी था, तो चुगना पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये थी हमारी बुनाई का काम। और अब मैंने इसका फ्लेम व्यूअर्स, मैंने इसका फ्लेम, अब बेशक आप हाई भी कर सकते हैं और आप इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट भी इसको दे सकते हैं। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल कोई इसमें लम्स नहीं है। और ये टोन, और देखें आपको मैंने कहा था कि जब इसमें पानी डालेंगे तो इसका कलर जो है वो उस वक्त डार्क ब्राउन था, तो उससे एक दो टोन कम हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो हलवा है ना, उसकी ये रिक्वायर्ड जो है ना फॉर्म थी, टेक्सचर था, वो मुझे मिल गया। ठीक है, मुझे यही कलर मुझे हलवे का चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, और अब इसका मैं मुसलसल फिर कंटिन्यूसली मैं इसको हिला रही हूँ। आग मैंने तेज़ की हुई है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, थिकी फॉर्म में आ जाए, इसका टेक्सचर थोड़ा चेंज हो जाए। देखें अब वो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। ठीक है, और व्यूअर्स अब मैं इस स्टेज पर इसमें चीनी भी डाल दूँगी। और ये मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है, और अब मैंने इसको जो है वो फिर इसको मिक्स करते रहना है। ठीक है, चीनी ज़ाहिर है वो बहुत गर्म है, तो चीनी फटाफट मेल्ट हो जाएगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। और चीनी आपने व्यूअर्स अगर आप चाहें तो आप इसका शरबत भी तैयार कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसे मैंने पानी उधर तैयार किया ना, पानी गर्म किया, ठीक है, तो इसी तरह आप पानी के अंदर चीनी डाल दें और आप चीनी उधर मेल्ट कर लें पानी के अंदर, और वो आप एक किस्म का इसका यानी कि शरबत इसमें डालने के लिए वो आप उधर भी तैयार कर सकते हैं, दूसरी साइड में भी। ठीक है, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पानी डाल दें और चीनी आप जैसे अभी मैंने 1.5 कप के करीब इसमें चीनी ऐड की है, लेकिन अगर आपको चीनी जब आप चखें कि आपको थोड़ी लगे तो आप थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो बहुत मीठा पसंद नहीं करते उनके लिए 1.5 कप बहुत है, इनफ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको फिर मिलती हूँ, अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तकरीबन 5-1 मिनट तक, मैं आँच इसकी फुल करती है दोबारा से। ठीक है, पानी डालते वक्त थोड़ी सी मैंने आँच इसकी जो है वो स्लो थी, अब मैंने और ज़्यादा कर दी है। और हलवा पकाते वक्त आपकी जो इसकी कढ़ाई की जो साइड्स हैं वो गंदी हो जाती हैं, ज़ाहिर ख़राब हो जाती हैं, तो आपने साइड से चमचा हिला हिला के आपने इसकी साइड जो है वो साफ़ रखनी है। ठीक है, यहाँ पर 2-3 मिनट गुजरे हैं और हलवा जो है वो और ज़्यादा गाढ़ा हो गया। और इस यहाँ पर अभी आप इसमें मलाई, अगर आपके घर की मलाई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और व्यूअर्स अगर आप इसमें देसी घी डालना चाहें ना स्टार्ट में, तो आप देसी घी से भी बना सकते हैं, घी से बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऑयल से बनाया। और अभी मैं इसमें थोड़ी सी मलाई भी शामिल कर दूँगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू जो है वो देसी घी की भी आए। ठीक है, और ये घर की मलाई है, बिल्कुल खालिस मलाई है। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ये डाल दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ना डालें। और यहाँ पर आप डब्बे की करीम, डब्बे की मलाई आप नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि ये हमारा देसी किस्म का हलवा बन रहा है, शाही हलवा बन रहा है, दूध का हलवा बन रहा है। ठीक है, और चकवाल तलगंग मियाँवाली के जो लोग हैं, ठीक है, ज़िला मियाँवाली, ज़िला चकवाल, तो वो इस हलवे से बखूबी वाकिफ़ हैं सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऑयल से बनाया। और अभी मैं इसमें थोड़ी सी
मलाई भी शामिल कर दूंगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू जो है वो देसी घी की भी आए, ठीक है। और ये घर की मलाई है, बिल्कुल खालिस मलाई है। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ये डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ना डालें। और यहाँ पर आप डब्बे की करीम, डब्बे की मलाई आप नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि ये हमारा देसी किस्म का हलवा बन रहा है, शाही हलवा बन रहा है, दूध का हलवा बन रहा है, ठीक है। और चकवाल तलगंग मियाँवाली के जो लोग हैं, ठीक है, ज़िला मियाँवाली, ज़िला चकवाल, तो वो इस हलवे से बखूबी वाकिफ़ हैं। और व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि आज मैंने आपको कुछ सिखाया है और कुछ अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये व्यूअर्स आपकी तरफ से एक इनाम होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता जब आप किसी को सब्सक्रिप्शन देते हैं तो। और प्लीज़ वीडियो को वॉच करके, ठीक है, अब बेशक पूरी मत देखें लेकिन कुछ देर आप वॉच करके, तो फिर आप लाइक करें, आप कमेंट करें, आप उसको सब्सक्राइब करें, ओके। ये मज़ीद 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और हलवा जो है वो ये देखें इस टेक्सचर में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको दम दे दूँगी, ठीक है। और दम देने के बाद अब दोबारा से मैं इसकी आंच स्लो कर दी है मैंने, और इसकी आंच आपने अब इतनी की रखनी है जितनी के ज़ीरो आंच जिसको आप कहते हैं, ये देखें आपने इतनी की इसकी आंच रखनी है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको हिला देना है ताकि नीचे से ये लगे नहीं, ठीक है। और अब इसी स्टेज पर जो है ये घी अपना छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें 1 कप ऑयल डाला था, फिर मैंने 4 टेबलस्पून के करीब इसमें मलाई डाली है, तो वो घी छोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपने इसको अब इग्नोर नहीं करना है। अब आपको छुट्टी मिल गई है, बेशक अब आप इस आराम करें, रेस्ट करें थोड़ी देर के लिए, आप इसको छोड़ दें। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसका फ्लेम ऑन करती हूँ क्योंकि मेरा फ्लेम ऑफ हो चुका है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको हिला देना है ताकि नीचे से चिपके नहीं, ठीक है व्यूअर्स। और ये देखें, ये मैंने इसको कवर कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसका बर्नर चेंज किया। ये बर्नर जो था वो ये बड़ा था, और मैंने इसको अब छोटे बर्नर पर रखा है कि कहीं ये नीचे से लग ना जाए, हालांकि आंच तो इसकी जीरो ही रखनी है। और ये देखें, अब ये कढ़ाई को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है व्यूअर्स, ये देखें, ये इसका मतलब है कि ये तकरीबन डन हो गया, यानी 90+ ये डन हो चुका है, मगर 100% डन नहीं हुआ अभी। ये देखें इसी तरह ये हल्की आंच पर, स्लो आंच पे पड़ा रहे। ये देखें, यहाँ पर जो है वो घी हमारा, ये एक्सेसिव ऑयल है जो ये ऊपर आ गया, ये देखें, ये फाइनल स्टेज है इसकी, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो कि हमारा शाही हलवा तैयार हो चुका है। और ये देखें ज़बरदस्त, अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ, और मैं इसमें गार्निशिंग के लिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखें फाइनल लुक, मैंने डिश आउट कर दिए, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत जमी शाही हलवा चकवाल, ज़िला चकवाल, ज़िला मियाँवाली, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो लोग बखूबी आप वाकिफ़ हैं इस इलाके से। और मखड़ी हलवा पंजाब की सौगात बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है, और ज़रूर बनाएं आप ये रेसिपी, और फिर मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है, आपका हलवा कैसे बना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ईद मुबारक, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुशियाँ दिखाए, सब लोगों को ईद की बहुत खुशियाँ दिखाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।